बोलिए श्री गणपति गणेश भगवान की जय। श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। हे माई सचिया जोता वाली माता त्वाडी सदा ही जय। तो भगवान के प्यारे भक्तों, आज मैं आपको मंगलवार के व्रत की विधि और मंगलवार व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए, भगवान हनुमान जी के प्रति आपकी श्रद्धा हो, माता दुर्गा को आप मानते हो, तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसी ऐसी अद्भुत सुंदर और पौराणिक कथाएं आप तक लाता रहूं। तो आपका समय व्यर्थ ना करते हुए आइए, अब मैं आपको मंगलवार व्रत की विधि और कथा बतलाता हूँ। सर्व सुख, रक्त विकार से मुक्ति, राज्य से सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत अति उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक बार ही ग्रहण करना ठीक है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन के समय लाल पुष्पों को चढ़ाएं और लाल वस्त्र धारण करें। अंत में हनुमान जी की पूजा करें और मंगलवार जी की कथा सुनें। तो मंगलवार की कथा इस प्रकार आती है कि एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान ना हुई, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वे ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वे पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत का भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन ना बना सकी। तब हनुमान जी को भोग भी नहीं लगाया। वे अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वे भूखी ही सो गई और 6 दिन भूखी प्यासी पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ, जो तुम्हारी सेवा करेगा। हनुमान जी मंगल को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गई। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई और ब्राह्मण ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौट कर आया। प्रसन्न चित सुंदर बालक को घर में खेलते हुए देखकर वे ब्राह्मण पत्नी से बोला कि ये बालक कौन है। पत्नी ने कहा कि मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे ये बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा कि ये उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छिपाने के लिए ये बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वे मंगल को साथ ले गया और उसको कुएं में डालकर पानी भरकर वापस आया। तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तब मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि को उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा कि हे ब्राह्मण, ये बालक तुम्हारी पत्नी को मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों समझ रहे हो। पति ये जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी दोनों ने मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। तो भगवान के प्यारे भक्तों, जो कोई भी इस विधि से
मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है अथवा सुनाता है और नियम से व्रत रखता है तो उसके हनुमान जी की कृपा से हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और हर मनोकामना की प्राप्ति होती है, सर्व सुख प्राप्त होते हैं। तो भगवान के प्यारे भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी ऐसी अद्भुत कथाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता रहूं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।